तो बताइए कौन है वो लड़की जो मूसा की बीवी और इस घर की बहू बनने वाली? अबीहा। सलमा, क्यों उदास उदास टहल रही हो तुम तो? आखिर कोई परेशानी है मुझे बताओ। अभिया के पेरेंट्स उसकी शादी करना चाहते हैं। जाहिर है वो मां बाप है, चाहेंगे कि उनकी बेवा बेटी का घर बस जाए। लेकिन हमारा क्या होगा सिया? अगर अभिया इस घर से चली जाएगी तो हम तो मर जाएंगे। जानता हूं, ये भी जानता हूं कि वो शादी नहीं करना चाह रही। वो रजामंद है, वो है रजामंद। सलमा क्या कह रही हो तुम? वो रजामंद? तैमूर के बगैर तो हम जी रहे, अभिया बेटी के बगैर नहीं जी सकेंगे हम। हेलो यू ब्यूटीफुल पीपल, आओ। सिचुएशन कुछ गंभीर लग रही है। देखिए, आपका बेटा होने के नाते, इस घर का बेटा होने के नाते, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आप लोगों से पूछूं कि आपको क्या परेशानी। सिमिलरली आप लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे ये बताएं कि परेशानी की बात क्या है। सो प्लीज सलमा, जो मैं सोच रहा हूं क्या तुम भी वही सोच रहे? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है सिया। तो आप लोग जो महसूस कर रहे हैं वो बात भी बता दीजिए प्लीज। बात नहीं, हुक्म है हमारा। हाँ, और तुम्हें ये हुक्म मानना पड़ेगा। अच्छा चले, हुक्म ही सही। अब आपने इस आजमाइश में डाल ही दिया तो बताइए कि क्या हुक्म। मूसा, तुम शादी कर लो बेटा। ठीक है, शादी कर लेता हूँ, लेकिन मुझे कोई लड़की नहीं पसंद। बल्कि मैं भाभी से बात कर लेता हूँ ना, मैं उनसे कहता हूँ कि मेरे लिए कोई लड़की ढूंढ ले। उससे बात करने की जरूरत नहीं है मुझसे। आपने लड़की ऑलरेडी ढूंढ ली? हाँ। अच्छा, तो बताइए कौन है वो लड़की जो मूसा की बीवी और इस घर की बहू बनने वाली? अबीहा। अबीहा से शादी कर लो मूसा। Want to watch more and get updated, so follow AIY Digital's YouTube page.